भाजपा सरपंच प्रतिनिधि और उसके परिवार पर आदिवासी लड़की के साथ छेड़छाड़ और परिवार के पुरुषों के साथ मारपीट के कई गंभीर आरोप लगाकर बेटमा थाने पर प्रदर्शन किया है। मामला बेटमा थाना क्षेत्र की अटावदा ग्राम पंचायत का है, जहां भाजपा सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जयत संगठन के कार्यकर्ता थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ये लोग भाजपा सरपंच प्रतिनिधि पर उचित कार्यवाही की मांग कर रहे थे। इनका आरोप था कि कार्यवाही में कुछ नाम नहीं जोड़े गए। SDOP नीलम कन्नौज ने कहा कि कार्यवाही के पश्चात धारा 164 के अंतर्गत नाम जोड़ने की कार्यवाही होती है, अगर ये जुड़वाना चाहते हैं तो वह कर दिया जाएगा। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं पक्षपात के ऊपर दर्ज होता है, पक्षपात को दर्शा रहा है। हमको प्रशासन से कोई वो मतभेद नहीं है। अगर हम चाहते तो हम अंदर आके सरों को बोल के अंदर आके बैठ जाते, लेकिन हम व्यवस्थित बैठे ना, किसी को बोल रहे हैं क्या? अगर आप तो वो जो आप बोल रहे हो उस पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ अगर आपको लगता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं जो आपकी परेशानी है तो वो बिल्कुल 164 जो बोलेगी जितने लोगों का नाम बोलना चाहे वो सब बोल रही है, अगर तो सबके नाम बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो पक्षपात की आप बात कर रहे हैं तो मैं देख लेती हूँ, आप देख लो ठीक है, महिला परेशान हो रही मैडम, रास्ते देखो, ये परेशान हो रहे, इनके लेट निकला हुआ है, पूरा रात भर से परेशान हो रहे कि आए मैडम के पास आए तो ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही, इनको कुछ जैसा भगा दिया गया यहाँ पे, ना इनका कोई मेडिकल हुआ है, वो BJP का नेता वहाँ गेट पे से अंदर नहीं जाने दे रहा है, वो इनका ना FIR हुई ना कुछ नहीं है, अत्याचार मतलब बोले आप जाओ, यहाँ मेडिकल भी अभी सुनवाई भी, मुख्य आरोपी का नाम अभी तक नहीं आया है। वो ये BJP का नेता, वो विजेंद्र यादव हटाउदा के सरपंच, इनके कुछ दुकान पे गई थी बालिका तो उसके हाथ वगैरह पकड़ा तो फिर घर के तोड़ के आती, इनके सबके सिर फोड़ दिए उनने, हाँ छेड़खानी की हमारा कोई परिवार। आपकी क्या क्या मांगे? हमारी यही मांगे कि इनको इंसाफ मिल जाए, ये रात भर से न्याय चाहिए इनको, रात भर से बैठे अभी तक मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, लापरवाह पुलिस ने कुछ नहीं करा, हमारा बच्चे जाते हैं तो तेरा बच्चे वहाँ जाएगा तो काट के फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे हम देख देते हैं। वहाँ पे दुकान के लिए मैं सामान, मेरा भाई घर पे आ गया तो मैं दुकान संभालने के लिए चली, तो मैंने उन्हें मांगे सेम चने, वो शराब पी रखी थी मैंने, तो मैंने दिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तो मैं जोर से चिल्लाने लग गई, तो मेरा भाई जा रहा था तो वापस आए हो और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर मैंने बताया कि छेड़खानी कर रहे हैं, तो इनको भैया को मारा तो सिर फोड़ दिया उनका, डंडे से मारा और ये यहाँ पे मुझे भी लगी, उन्होंने हाथ को, और उसके बाद हम उनको फेंकने दिए, वो चले गए, फिर उस उधर से आए वो, तो उधर से वो लेके आए 5-6 मतलब 50-60 जने थे, फिर वो घर में आके तलवार लेके बाहर निकाला उनने और उनने मारा मुझे भी, यहाँ पे पीठ पे लगी है डंडे का, मारा मुझे और लाश से भी वहाँ के नीचे सुला के मारा मुझे, गिर गई थी मैं, 50-60 गिर गई थी, तो मारा मुझे और मेरे भाई को और मेरी मम्मी को मारा, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे आए थाने में, तो मैंने मैम को बोला कि मैम बताए, मैंने मैम को तो मैम सुनने के लिए तैयार ही थे, बोले कि मुझे हाथ पकड़ कर निकाल दिया बाहर, और उनने बोला कि अब ये मुझे मत दिखा, और उनको बाहर बैठा दिया, और हम 4 बजे के आए थे यहाँ पे, तो शाम को हम 11 बजे तक बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे, न्याय नहीं मिला मुझे। विजय यादव सरपंच है, वो जब से सरपंच बना है जब से लड़े दंगा, दो पक्ष आए थे उनकी तरफ से कायमियाँ हुई है, तो इनका कहना था जो एक पक्ष है कि हमारी कायमी में किसी का नाम छूट गया, कायमी तो इन्होंने खुद बैठ करके लिखवाई थी, अगर नाम छूट भी गया तो हमारा ये कहना एक बार कायमी होने के बाद दोबारा सेम कायमी होना पॉसिबल नहीं है, तो इनसे चर्चा करके उसमें वो चाहते हैं किसी और के नाम, तो 164 के बयान होते हैं, अगर इन्हें लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो वो उसमें बढ़वा सकते हैं, बस वही क्लियर कर दिया है। तो जो FIR हुई है उसमें इन्होंने जितना बताया था सारी धाराएं लगी हुई है, बस ये था कि जो दूसरा पक्ष है, जो दोनों पक्षों में जो भी झगड़ा विवाद हुआ है, दूसरा पक्ष पहले से आकर के अपनी कायमी करवा रहा था,
और फिर सेकंड पक्ष है तो इन्होंने जो भी बताया है, जिन भी धाराओं में एफआईआर करवाई है वो सारे लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं। एक नाम अब छूट गया है, वो जो भी कारण रहा हो उसको, बाई चांस से जिस भी वजह से, तो वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कायमी फिर से नहीं की जा सकती। एक बार जब कायमी पूरी हो गई उसके बाद वो ये बात बता रहे थे। तो आप वो कथनों के आधार पर, बयानों के आधार पर 164 के कथन होंगे, अगर वो बढ़ाना चाहते किसी का नाम तो बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।